हेलो फॉक्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद पिंगपेसर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हम बात करेंगे पिवोट टेबल के ऊपर। सो बेसिकली पिवोट टेबल का काम हम किस तरह से कर सकते हैं, आप इतना समझ लो। पिवोट टेबल हम सिंपल एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि मेरा अगर लॉन्ग डेटा है, बिग डेटा है, वो डेटा के ऊपर हम इसको ईजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं, ईजिली हम इसको एनालिसिस करके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को एक बधाई मतलब विश करना चाहूँगा कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप इस इंडिपेंडेंस डे को बहुत एंजॉय कर किए होंगे, और मैं तो बहुत एंजॉय किया हूँ क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे 75 हम लोग मना रहे थे। सो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट का बात है। सो बेसिकली आज जो मेरा ये वीडियो होगा तो पिवोट टेबल के ऊपर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज पिवोट टेबल के ऊपर ये वाला टॉपिक। ओके दोस्तों, पिवोट टेबल बेसिकली होता क्या है? पिवोट टेबल बेसिकली होता है कि पिवोट टेबल एक मोस्ट पावरफुल टूल है, जिस टूल को हम यूज़ करके इसमें हम डेटा को समराइज कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा को क्विक कैलकुलेशन कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। हम कुछ सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई मुझे चाहिए कि एप्पल 2022 में जैन टू दिसंबर के बीच में कितना वो बिका हुआ है, उसका मुझे टोटल कैलकुलेट करके दो। तो ये मैं इजीली पिवोट टेबल में दोस्तों मैं कर सकता हूँ। ओके तो बेसिकली पिवोट टेबल जो हमारा होता है दोस्तों, तो वो होता है कि ये एक हमारा जो होता है कि ये हम कैलकुलेशन को इजीली वे में कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। एज़ पर डेटा सॉर्टिंग हम उसको इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। एज़ पर सपोज़ अब इसी डेटा में अगर आप देखोगे सपोज़ ये नेम है। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि भाई डिपार्टमेंट मेरा यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, डिपार्टमेंट क्या है? प्रोक्रूटमेंट है, वेबसाइट है, सेल्स है, फिनेंस है। मैं देखना चाहता हूँ कि फिनेंस में कितना जन काम करता है। तो अब मैं यहाँ से ऐसे करके तो नहीं देख सकता, अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगा सकता हूँ, और साथ में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फिल्टर लगाने के बाद मैं एक और फिल्टर लगा के भी मैं देख सकता हूँ कि फिनेंस में इतना जन है। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि मेरा जो पिवोट टेबल में मैं इसको देख सकता हूँ कि हाँ फिनेंस में इतना जन है। लेकिन इसका दोनों का अब बोलोगे कि मैं फिल्टर लगा के तो मैं कर ही सकता, तो मैं पिवोट टेबल लगाने का क्या ज़रूरत है, राइट? तो बेसिकली हम यहाँ पे पिवोट टेबल हम तब फिर इसका पिवोट टेबल एक्चुअली क्या है, मोस्ट एक पावरफुल टूल है, जिस टूल में हम उसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं आप बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का तो मेरा नाम वो दिखाई देगा, हाँ उसका मुझे सैलरी का दिखाओ। तो वो सैलरी अब जो है, अब हम ये देख सकते हैं कि सपोज़ फिनेंस में सपोज़ 5 जन है, फिनेंस डिपार्टमेंट में 5 जन काम करता है। ओके, उस 5 जन का जो सैलरी होगा वो मुझे टोटल करके दिखाओ। तो वो मैं अब फिल्टर करके तो मैं नहीं देख सकता, राइट? तो वो मैं पिवोट टेबल से भी देख सकता हूँ, और फिल्टर में भी मैं देख सकता हूँ अगर मैं उसको सब टोटल लगा के देखता हूँ, ठीक है? मैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि सब टोटल का काम किस तरह से होता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि पिवोट टेबल बेसिकली हमारा कैसे काम करेगा, ठीक है? तो आप इसको एक काम कर सकते हो कि मैं इसको डेफिनेशन को मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार लिख भी सकते हो कि पॉज कर करके लिख भी सकते हो कि ए पिवोट टेबल इज़ ए स्टैटिस्टिकल टूल दैट समराइज एंड रिकॉग्नाइज समराइज एंड रीऑर्गेनाइज सेलेक्टेड कॉलम्स एंड रोज ऑफ डेटा इन ए स्प्रेडशीट और डेटाबेस। ये स्प्रेडशीट और डेटाबेस से वो मिलेगा डेटाबेस टेबल टू ऑब्टेन ए डिजायर्ड रिपोर्ट। हम उससे एक रिपोर्ट बना सकते हैं, राइट? तो बेसिकली क्या, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि ए पिवोट टेबल इज ए स्टैटिस्टिक्स टूल दैट समराइज एंड रीऑर्गेनाइज सेलेक्टेड कॉलम्स एंड रोज ऑफ डेटा इन ए स्प्रेडशीट और डेटाबेस टेबल टू ऑब्टेन ए डिजायर्ड रिपोर्ट। ओके तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये पूरा डेटा को हमको पिवोट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्टेप है गो टू इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट क्लिक ऑन पिवोट टेबल सेक्शन, एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन फ्रॉम और टेबल रेंज। होए ना क्लिक टेबल रेंज, तो अब हमको क्या चाहिए, ये आप मुझे रेंज मांग रहा है, तो अब हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके हम इस पूरे रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आप देख रहे हो कि न्यू वर्कशीट, इंटायर वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब आप जहाँ से टेबल को ले रहे हो उसी में आप पिवोट करना चाहते हो, या
आप न्यू वर्कशीट में करना चाहते हो, न्यू वर्कशीट में करोगे तो ये टेबल आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, आपका एक नया सीट ओपन हो जाएगा। तो मैं न्यू ऑलवेज आप न्यू वर्कशीट में करना, तो वो एनालिसिस करने में इजी होगा। तो मैं न्यू वर्कशीट में कर रहा हूँ, करने के बाद ओके कर रहा हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, राइट हैंड साइड में देख सकते हो, जो जो मेरा यहाँ पे कॉलम था, यहाँ पे मेरा कॉलम क्या क्या था, नेम था, जेंडर था, डिपार्टमेंट था, डेट जॉइन था, फिर सैलरी था, बोनस था, राइट। तो मैं यहाँ पे वो सब यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि सपोज़ मेरा जो डिपार्टमेंट है, मैं ये डिपार्टमेंट को क्लिक कर लिया, तो मेरा क्या क्या डिपार्टमेंट है, देखो ये आपने आप फिल्टर लगा दिया, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे डिपार्टमेंट है, फिनेंस, प्रोक्रूटमेंट, सेल्स, वेबसाइट। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा फिनेंस के अंडर में कितना जन काम करता है, तो मैं यहाँ पे इसको नेम में क्लिक करूँगा, तो फिनेंस के अंडर में इतना जन काम करता है, प्रोक्रूटमेंट इतना जन काम करता है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं इसको हटा के मैं सिर्फ फिनेंस का देखना चाहता हूँ, तो मेरा इतना जन काम करता है। अब मैं इसका सैलरी देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सैलरी क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि फिनेंस के अंडर में इतना जन सैलरी है, तो जो फिनेंस डिपार्टमेंट है उसका टोटल सैलरी इतना जाता है, कितना जाता है कि 3,75,910 rupees। ओके, इसका मैं बोनस देखना चाहता हूँ कि फिनेंस को जितना जन काम कर रहा है उसका सैलरी इतना है, तो बोनस उसको कितना मिल रहा है, तो बोनस उसको 0.18% का बोनस मिल रहा है, मतलब 18% का उसको बोनस मिल रहा है। तो आप इस तरह से पिवोट टेबल को कर सकते हो। अब मैं फिर से फिल्टर लगा के मैं एक और बढ़ा दिया, प्रोक्रूटमेंट का देखना चाहता हूँ, तो आप देखो इस तरह से आप देख सकते हो। फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं सबको मैं देखना चाहता हूँ, सेल्स को भी देखना चाहता हूँ, वेबसाइट को भी देखना चाहता हूँ, मैं ओके कर दिया, तो आप देखो सबका, तो फिनेंस के अंडर में इतना जन काम करता है, प्रोक्रूटमेंट के अंडर में इतना जन काम करता है, सेल्स के अंडर में इतना जन काम करता है, वेबसाइट के अंदर में इतना जन काम करता है। तो मेरा टोटल जो चार डिपार्टमेंट में मेरा ऑफिस में जितना जन काम करता है वो उसका सैलरी इतना जाता है और उसका बोनस इतना जाता है। समझ में आया दोस्तों? अब मैं सबको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, सबको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जो नेम है, नेम वाइज सैलरी किसको कितना मिल रहा है, तो नेम वाइज सैलरी आप देखो ऐसा मिल रहा है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। ये मेरा डायरेक्ट रिपोर्ट बना के मैं अपना जो मेरा सीनियर मेंबर है मैं उसको दे सकता हूँ। अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूँ सैलरी नहीं देख के सिर्फ बोनस देखना चाहता हूँ, तो मैं बोनस इतना है, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ देखना है कि डेट ऑफ ज्वाइन के अनुसार, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइन के अनुसार मुझे नेम को दिखाओ। तो ये देखो, तो ये आपका ऐसा आ गया, ये आप एक काम कर सकते हो, इसको आप थोड़ा चेंज कर दो तो वो आ जाएगा, शॉर्ट डेट में कर दो आ जाएगा, यस। तो ये डेट ऑफ ज्वाइन में ये आया, ये सब ज्वाइनिंग किया हुआ है। तो दोस्तों आप इसको इस तरह से पिवोट टेबल का काम कर सकते हो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाओ या इनसाइट ऑफिस आप काम कर रहे हो, आप रिपोर्ट बना रहे हो, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको हेल्पफुल हुआ होगा। आप ज़रूर इसको देखो, सीखो, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना दोस्तों। ओके दोस्तों, सो ठीक, ओके। तो आप नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा दोस्तों, तो वो धीरे धीरे करके एक्सेल के ऊपर ही आएगा, क्योंकि मैं गूगल सीट में क्वेरी फंक्शन में ख़त्म कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो भी आप देखना, हो सके तो आपको हेल्पफुल मिलेगा। सो आई होप कि आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा, एंड अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर